लो एवरी वन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेज इन योर टू मिनट सीरीज फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस अब ये जो टू मिनट सीरीज है इसको हमने रीडिजाइन किया है इन अ वे दैट इट विल बी बेनिफिशियल टू बोथ द स्टूडेंट्स ऑफ 2021 जो कि मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं एज वेल एज दोज अपियरिंग फॉर यू पी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी टू क्योंकि इसके अंदर दोनों ही प्रीलियम्स पर्स्पेक्टिव एज वेल एज मेन से जुड़े कुछ जो इंपॉर्टेंट इशूज हैं उनको इन डेप्थ डील किया जाएगा अब आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी चर्चा में भी रहा था विच वॉज दी एक्सपेंशन जो एक्सटेंड कर दी गई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ज्यूरिस्डिक्शन अब इसको हम दोनों ही प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट मटीरियल है वो भी देखेंगे साथ ही साथ में वेरी इंपॉर्टेंटली इसको हम जोड़ेंगे एक मेन से रिलेटेड इशू को ठीक है तो ये जो है मेन ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है विथ द आइडिया ऑफ कि क्या इश्यूज हैं इसके अंदर एंड पर्टिक्यूलरली फेडरलिज्म के इश्यू को लेके जो है क्या मेन क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं इन दिस रिगार्ड नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू टूडेज टॉपिक जस्ट टू लेट यू नो हमारा जो बैच सिक्स है विच इज द लास्ट बैच फॉर यूपीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी टू वो जो है लॉन्च हो चुका है एंड उसकी एनरोलमेंट्स जल्द ही बंद हो जाएंगी ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर से जो है उसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं तो हमारा प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो प्रोग्राम है फॉर जनरल स्टडीज़ विच हैज़ अपडेटेड वीडियोस कंप्लीट कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज राइट इसके अंदर टेस्ट जो हैं इंक्लूडेड है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है हमारा जो प्री क्योर सीरीज़ है करंट अफेयर्स की भी मतलब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है देन हमारे जो दो ऑप्शनल्स है पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड सोशियोलॉजी उनका भी कोर्स लॉन्च हो गया है देन एस का कोर्स एज वेल एज यहीं पर जो है हमारे कॉम्बोस एंड ई एम आई फैसिलिटीज़ भी इन कोर्सेज के लिए अवेलेबल हैं राइट डिटेल शेड्यूल जो है हर कोर्स का आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा अलॉन्ग विद द फी डिटेल्स अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं यू कैन गो टू अ वेबसाइट और कॉल ऑन दिस टोल फ्री नंबर नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर दोज अपेयरिंग फॉर द मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन आपके लिए जो है बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे पास हैं बोथ इन फ्री एंड द पेड मॉड्यूल ठीक है फ्री मॉड्यूल के अंदर अगर आप जीएस की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो हमारा एक फ्री क्रैश कोर्स होगा इन द फॉर्म ऑफ डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम तो फ्राइडे के फ्राइडे हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर चार क्वेश्चन लगा दिए जाएंगे फ्रॉम जीएस वन टू थ्री फोर जो कि आप ओवर द वीक अटैम्प्ट कर सकते हैं एंड देन मंडे ट्यूजडे वेनजडे एंड थर्सडे ट्वेल्व पी एम इनको डिस्कस किया जाएगा ठीक है ऑन अ यूट्यूब चैनल एट ट्वेल्व पी एम इसके अलावा हमारा जो पेड कोर्स है उसके अंदर एक बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर जी एस का कम्प्लीट क्रैश कोर्स आ रहा है एंड उसके अलावा देर इज़ ऑल्सो जी एस की मेन्स टेस्ट की सीरीज इनका कॉम्बो जो है वो भी अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम दैट पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पहली बार लॉन्च कर रहे हैं हम आज से जो है आज 12 बजे इसके बारे में वीडियो भी आएगी तो अगर आपका पी एस आई आर ऑप्शनल है राइट फ्री क्रैश कॉस राइट फ्री क्रैश कॉस होगा ये फ्राइडे सैटरडे एंड संडे जो है इसके मॉड्यूल्स आएंगे 12 बजे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अलावा दस जो है इंपॉर्टेंट इशूज फ्रॉम मेन्स पर्स्पेक्टिव जो है वो भी कवर कराए जाएंगे पेड के अंदर हमारे पास जो है मेन्स की टेस्ट सीरीज है जहां पे चार सेक्शनल एंड छह फुल एंड टेस्ट है सोशोलॉजी के अंदर जेर इज अगेन वीकली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो कि फ्री होगा जहां पे वीक में जो है दो दिन ये कराया जाएगा एंड देन सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट एंड मेन्स टेस्ट सीरीज जो है वो पेड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है ठीक है इसके अलावा ऐसे राइटिंग का भी मेन्स ट्वेंटी 2021 के लिए एक इंपॉर्टेंट कोर्स शुरू कर दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अंदर भी वेरियस कॉम्बोज अवेलेबल है इनकी डिटेल्स भी आप वेबसाइट पे या फिर इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं टूवर्ड्स टुडेज टॉपिक बी जो है न्यूज में है चर्चा में है क्यों न्यूज में है दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑल बी अवेयर ऑफ बिकॉज अक्टूबर के अंदर एक नई नोटिफिकेशन निकाली गई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिनके अंडर जिनके परव्यू के अंडर जो है हमारी बी यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आती है जहां पर इनकी जुरिस्डिक्शन जो है जो ऑपरेशनल ज्यूरिस्डिक्शन है मतलब जहां पे ऑपरेट कर सकते हैं जहां पे अरेस्ट सर्च सीजा कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टन सेंट्रल एक्ट के अंडर ऑफेंसेस वो बढ़ा दी गई अप टू फिफ्टी किलोमीटर इन इनसाइड इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन थ्री स्टेट्स कौन से हैं ये थ्री स्टेट्स सबसे पहले पंजाब तो आप देख सकते हैं पंजाब का बॉर्डर यहाँ पे ये लगता है ये पाकिस्तान के साथ तो पंजाब के बॉर्डर ये बॉर्डर के साथ जो लगने वाली डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अप टू 50 किलोमीटर तक जो है अब बी एस एफ की जूरिस्डिक्शन एक्सटेंड कर दी गई है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली पंजाब के अलावा हमारा वेस्ट बंगाल का जो स्टेट है वहां पे भी वेस्ट बंगाल अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बॉर्डर शेयर करता है विद बांग्लादेश तो यहाँ पे अगेन जो है इनकी 50 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है एंड लास्टली असम जो कि अगेन शेयर करता है दो जगह पे यहाँ पे आप देख रहे हैं बांग्लादेश के साथ जो है ये बॉर्डर शेयर करते हैं ठीक है तो अगेन इनकी भी जो है यहाँ पे जूरिस्डिक्शन बढ़ा दी गई है अप टू फिफ्टी किलोमीटर्स अब ये जूरिस्डिक्शन इनसाइड बॉर्डर की मैं क्या बात कर रही हूँ इसका मतलब है कि अब बॉर्डर पे तो होती ही है है ना बॉर्डर पे प्रोटेक्शन के लिए बैठे ही होते हैं बट बॉर्डर के आसपास के जो एरियाज हैं वो भी तो काफ़ी वालनरेबल एरियाज होते हैं तो मतलब बॉर्डर से भी अंदर फिफ्टी किलोमीटर्स तक जो है आपकी बी की ज्यूरिस्डिक्शन होगी अब क्या है राइट पहले ये इशू जानने के लिए हम देखते हैं रोल्स एंड पावर्स ऑफ द बी एस एफ अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है क्या आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर अपार्ट फ्रॉम हमारी जो मिलिट्री फोर्सेज है देर आर ऑल्सो पैरामिलिट्री फोर्सेस राइट यहाँ पे आती है हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पांच जो हैं हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं जिनका प्राइमरीली काम क्या है जो हमारी मिलिट्री की तीन विंग्स हैं और उनके जो काम है, जो चाहे नेवी हो गई एयरफोर्स हो गई आर्मी हो गई उनका मेनली जो काम होता है वो एक्सटर्नल जो इश्यूज है एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं उनके साथ डील करना होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज भी जो हैं वे उनके साथ डील करती है बट प्राइमरि इनका काम होता है टू सेव गार्ड द नेशनल इंटरेस्ट अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स कई बार जो इंटरनल विद इन द टेरिटरी जो है एग्जिस्ट कर सकती है अब यहाँ पे पांच तो है, security forces जो है सिक्योरिटी फोर्सेज जो है बनाई गई हैं बी एस एफ नाइनटीन सिक्सटी फाइव की वॉर के बाद जो है इट केम इन टू एग्जिस्टेंस सबसे पहले है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सहस्त्र सीमा बल एंड लास्टली आपकी आई टी बी पी विच इज योर इंडो इन बॉर्डर पुलिस अब इंडिया के बारे में आपको एक और चीज पता होनी चाहिए इंडियन क्या इंडिया क्या है यूनियन ऑफ स्टेट्स है एंड इंडिया में हम फॉलो करते हैं व्हाट इज नोन एज वन बॉर्डर वन फोर्स पॉलिसी इसका मतलब क्या है दैट एक कंट्री के साथ एक जो पर्टिकुलर बॉर्डर के साथ हम डील कर रहे हैं अब इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है न्यूमरस कंट्रीज के साथ इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं तो पर्टिकुलर बॉर्डर्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फोर्स को दी गई है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप इसको मैनेज कीजिए तो उसी तरह से जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये मैनेज करती है इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर्स विथ टू कंट्रीज कौन सी दो तो कंट्रीज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश तो हमने मैप्स में देख लिया था किस तरह से पंजाब का बॉर्डर किसके साथ लग रहा था पाकिस्तान के साथ वहीं असम एंड वेस्ट बंगाल का बॉर्डर किसके साथ लग रहा था बांग्लादेश के साथ फिर आपकी जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है ये किस लिए होती है ये इंडिया के इंटरनल जो कुछ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं ये उनमें इन्वॉल्व होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एज द नेम इल्फ सजेस्ट इंडिया के अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट्स है जिनकी सिक्योरिटी मेनटेन करना जरूरी है ये वहाँ पर डिप्लॉय की जाती है तो आपको बहुत जगह पर दिखा होगा राइट right? एयरपोर्ट भी कई बार होती हैं कई बार जो यू uh, नो you know, कुछ अटोमिक रिसर्च सेंटर्स या कुछ और जो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स एटसेट

इसके अंदर जो उसके काम के लिए इसके रोल्स के लिए उनको डिफ़ाइन करने के लिए एक बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स एक्ट ऑफ 1968 जो है बनाया गया था इसी एक्ट के तहत कुछ रूल्स जो है एम्बॉडी किए गए थे जो कि डिस्क्राइब करते हैं क्या टास्क हैं क्या काम होंगे हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनकी सबसे पहले एज द नियम इथ सजेस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं तो इनका सबसे प्राइमरी टास्क क्या होगा प्रमोट करना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पीपल जो कि बॉर्डर एरियाज के आसपास रह रहे हैं देन वेरी ऑब्वियसली प्रिवेंट करना ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स तो किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग हो रही है कोई अनऑथराइज एंट्री या एग्जिट हो रही है लोगों की इन टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो सबको रोकना एंड लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली प्रिवेंट करना स्मगलिंग और किसी और इलीगल एक्टिविटी को अब हमें पता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया की बात करें हम कहते हैं एक गोल्डन क्रिसेंट जो है यहां पे एक्सटेंड करता है तो नारकोटिक्स की स्मगलिंग अभी एक ये भी रीजन है कि हम कहते हैं पंजाब के अंदर जो एक ड्रग्स की इशू आता है दैट इज आल्सो बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि पंजाब शेयर करता है एक इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान तो एक एंट्री पॉइंट जो है पंजाब के थ्रू आ जाता है ठीक है सिमिलरली स्मगलिंग के इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू नार्कोटिक सब्सटेंसेस विद रिस्पेक्ट टू वेपन्स विद रिस्पेक्ट टू इलीगल करेंसी जो कि एग्जिस्ट करते हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे भी ठीक है तो इन सब के साथ भी बीएसएफ डी करता है ना वेरी इंपॉर्टेंटली जैसे कि मैंने बताया गया पीएसएफ की अब पावर की अगर हम बात करें अब हमने बोला ये बॉर्डर पे जो है वहां पे सुरक्षा के लिए है अब बॉर्डर के अंदर भी मैंने बताया कि कुछ वालनरेबल एरियाज हो सकते हैं तो अब कितने एरियाज तक हाउ क्लोज टू द बॉर्डर जो है ये वालबल एरिया हम काउंट करेंगे जहाँ पे बी एस एफ की जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करती है ये भी डील करता है आपका जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट ऑफ 1968 है वही इसके साथ डील करता है ठीक है तो क्या ड्यूटीज़ होंगी क्या पावर होगी क्या जुरिस्डिक्शन होगी बी एस एफ की ये सब इन डिटेल बताया बताया गया है इस एक्ट में न इसी एक्ट के अंदर देर इज़ अ सेक्शन वन थर्टी नाइन क्लॉज वन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है मतलब हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है जो कि रन की जाती है बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके पास ये पावर देता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है कौन सी मिनिस्ट्री के परव्यू के अंडर है सारी सेंट्रल आर्म पुलिस रिजर्व पुलिस फोर्सेस इंक्लूडिंग द बीएसएफ इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ठीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक तरह से पावर मिल जाती है टू डिफाइन कि बीएसएफ की क्या ज्यूरिस्डिक्शनल लिमिटेशन होगी पहले तो कौन कौन से एक्ट्स के तहत उसको पावर मिलेगी एंड सेकेंडली कौन से एरियाज में एंड कितने रीजन में अब बीएसएफ की जुरिस्डिक्शन जो है करंटली अगर हम बात करें हम हमने बोला इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर्टिकुलरली ऐसे स्टेट्स जिनका बॉर्डर कौन सी कंट्रीज के साथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के साथ लगता है वो बी एस एफ की परव्यू में आती है तो दिस इंक्लूड्स टेन स्टेट्स एंड नाउ बाय द 2021 नोटिफिकेशन एक्सप्लिस बता दिया गया है ऑल्सो इंडिया टू न्यू यूनियन टेरिटरीज़ कौन सी हैं ये सबसे पहले आपके नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं मणिपुर मिजोरम, त्रिपुरा नागालैंड एंड मेघालय देन मूविंग वेस्ट टूवर्ड्स अगर हम देखें ठीक है यहाँ पे इनके साथ एक आसाम भी अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट में कौन से हो गए सबसे पहले आप आसाम से शुरू कर सकते हैं देन मूविंग डाउन आपके जो एम एम है दैट इज मणिपुर एंड मिजोराम देन त्रिपुरा नागालैंड एंड मेघालय ठीक है तो ये नॉर्थ ईस्ट का हो गया फिर वेस्ट की तरफ अगर हम आते हैं बांग्लादेश के कौन से हो गए बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्लस वेस्ट बेंगाल वेस्ट की तरफ गुजरात राजस्थान जो कि पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं ऑब्वियसली पंजाब का आपका जो इलाका है एंड द टू न्यू यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ठीक है ये सारे के सारे जो हैं कहाँ पे आते हैं आपके बी के परव्यू के अंडर आते हैं ना ट्वेंटी की जो नोटिफिकेशन लाई गई अंडर दिस एक्ट ये कुछ चेंजेस लाती है इन द 2014 की नोटिफिकेशन अब 2014 की जो नोटिफिकेशन की थी उसके तहत पंजाब वेस्ट बंगाल एंड असम के अंदर जो जूरिस्डिक्शनल लिमिट थी बी की दैट वॉज 15 किलोमीटर्स मतलब बॉर्डर से इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर तक इनटू द स्टेट जो है बीएसएफ की पावर एग्जिस्ट करती थी ठीक है अब इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है फ्रॉम अप टू कितना टू 50 किलोमीटर्स मतलब अप टू 50 किलोमीटर्स इनसाइड साइड द स्टेट फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर बीएसएफ के पास पावर है टू अरेस्ट सर्च एंड सीज सस्पेक्ट्स और सर्टेन प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एक्ट्स जिनके अंडर बी को पावर दी गई है इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली ज्यूरिस्डिक्शन लिमिट जो है विद रिस्पेक्ट टू द वेस्टर्न स्टेट ऑफ गुजरात उसको रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर मतलब अब जो चार स्टेट्स है कि फेडरलिज्म को इंपैक्ट करेगा ना विद दिस रिगार्ड वी हैव टू गो बैक टू आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स के अंदर क्या है हमारा जो शेड्यूल सेवन आपने सुना हुआ है है ना शेड्यूल सेवन जो कि डील करता है विद थ्री लिस्ट जिनके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं द वेरियस पावर्स तो कुछ पावर्स हैं जो कि यूनियन लिस्ट के अंडर आती हैं जो कि हमारी यूनियन लेजिस्लेचर के पास है देन स्टेट लिस्ट जिसके ऊपर स्टेट का परव्यू है एंड लास्टली कॉन लिस्ट जिनके ऊपर दोनों सेंटर एंड स्टेट का जो है परव्यू होता है अब अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस इज समथिंग जो कि स्टेट लिस्ट में आता है ठीक है पुलिस मतलब अगर लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं पुलिस की बात करते हैं तो स्टेट के पास जो है पावर होती है टू मेक लॉज पॉलिसीज रूल्स विद रिस्पेक्ट टू पुलिस ना द फैक्ट कि अब बी एस एफ को स्टेट्स के अंदर पावर दे दी गई है जो इंटरनेशनल बॉर्डर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक एक्सटेंड करेगी दिस इज बींग सीन एज यू नो काउंटरिंग द इन्फ्लुस ऑफ द लोकल पुलिस इन दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड दिस इज वट द स्टेट अबाउट हाउ एवर अगर हम पुलिस का जो सब्जेक्ट है विद इन द स्टेट लिस्ट उसको भी देखें उसके अंदर क्लियरली लिखा गया है दट द सब्जेक्ट ऑफ पुलिस विद इन द स्टेट लिस्ट ए सब्जेक्ट टू एंट्री टू एफ दूनियन लिस्ट मतलब कि पुलिस हाँ जी स्टेट लिस्ट का हिस्सा है बट कंडीशन अप्लाई फर्स्ट लिस्ट इज यूनियन लिस्ट में दी गई है आपकी सेंटर है वो डिप्लॉय कर सकती है किसी भी आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन को या किसी और फोर्स को सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ यूनियन और एनी कॉन्टिजेंट और यूनिट देयर ऑफ इन एनी स्टेट इन एड ऑफ सिविल पावर तो ऐसे कोई भी जो वर्नरेबल एरियाज हैं वहां पे जो एग्जिस्टिंग सिविल पावर है मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट है उसकी हेल्प के लिए अगर उनको महसूस होता है तो कोई भी आर्म्ड फोर्स या किसी भी और फोर्स को जो है वहां पे भेज सकती है यह पावर जो है उसको निभाने के लिए ना वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे नीड क्या होती है ठीक है इज इट डेट द सच सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ऑल द बी एस एफ इज सेंट ना सबसे पहले ये कहा जाता है कि सोर्सेस कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है ये जो पूरा जो चेंज है ना कि हमने चेंज क्यों किया पंद्रह से पचास किलोमीटर क्यों बढ़ाई है ठीक है क्या जरूरत है इसकी Now, पहले वो कहते हैं कि ये मूव इसलिए हैज ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी है ना so अब कई स्टेट्स बोलेंगे जहाँ पे पहले गुजरात के अंदर 80 किलोमीटर थी वहीं पे ऊपर वाला जो स्टेट था पंजाब वहाँ पे से 15 किलोमीटर थी तो सोर्स का कहना है इंक्लूडिंग बी एस एफ कि इसके थ्रू क्या होगा ऑपरेशनल यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी दर अक्रॉस स्टेट्स जो है सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा विच मेक्स इट ईजियर फॉर द बी एस एफ फोर्सेज एंड लोकल पुलिस ऑल्सो टू नो कि कई बार लोकल पुलिस को नहीं पता होता कि कई बार लोकल पुलिस एंड बी एस एफ के बीच में जो है एक तरह से में फाइट हो जाती है कि लोकल पुलिस बोलती है आप क्यों गोलियां चला रहे थे ऑन तो समवन जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से अंदर घुस चुका है क्योंकि लोकल पुलिस को ही नहीं पता होता कि बीएसएफ के पास पावर सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बल्कि डीपर इनटू द स्टेट भी जो है उनकी जुरिस्डिक्शन एग्जिस्ट कर सकती है जैसे कि हमने बताया पहले 15 किलोमीटर थी अब एक्सटेंड करके 50 किलोमीटर हो गई है तो इससे स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा साथ ही में बीएसएफ की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ये उसको भी बढ़ा देगा सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये बोला जाता है कि ये लोकल पुलिस को चैलेंज करने के लिए नहीं बल्कि उनके जो एफर्ट्स है उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बुलाया गया है राइट ऑफ ए टाइम लोकल पुलिस के पास ऑलरेडी बहुत काम होता है एंड कई बार ये जो इंपॉर्टेंट वालबल एरियाज है अराउंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन पर ये कड़ी नज़र जो है नहीं रख पाते And this can prove to be very dangerous for the security, unity, and integrity of India. Therefore, the role of forces like BSF becomes extremely important in this regard.

सबसे पहले तो जिस तरह का हम टेल्ट देख सकते हैं टूवर्ड तो द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद फोर्सेस लाइक द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे कि हमने पहले ही देख लिया जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट ऑफ 1968 है उसके तहत जो सेक्शन 139 थ्री नाइन क्लॉज वन था वो कंप्लीट पावर किसको देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है कि ये बताएंगे कि कितनी पावर है पी की मतलब पहले तो क्या उनका ऑपरेशनल मैंडेट है मतलब कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जिनके तहत बीएसएफ अरेस्ट कर सकता है सर्च कर सकता है या सीज कर सकता है किसी भी प्रोडक्ट को या लोगों को साथ ही में इन टर्म्स ऑफ एरिया कि उनकी क्या जुरिस्डिक्शन कितनी जुरस्डिक्शन पे जो है उनकी पावर अप्लाई करती है 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर राइट right? और स्टेट्स में भी इवन दो ये स्टेट्स बाय स्टेट वेरी करता है बट ये स्टेट खुद नहीं डिटर्मिन कर रहा है कौन डिटर्मिन कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमिन कर रही है तो इस ऑपरेशनल मैंडेट के अंदर पूरी की पूरी पावर किसके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वेरी इंपॉर्टेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है लिमिट्स बी एस एफ इन दीज एरियाज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट मतलब स्टेट से उनको पूछने की जरूरत नहीं है अगर अब पंजाब वेस्ट बेंगल और असाम में पंद्रह किलोमीटर से बढ़ा के पचास किलोमीटर कर दिया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पंजाब की स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर सकती है ना ही उन्होंने गुजरात से पूछा टू डिक्रीज इट ना ही उन्होंने पंजाब वेस्ट बंगाल या असम से पूछा टू इंक्रीज द जुरिस्डिक्शन लिमिट ऑफ बी साथ ही में कोई स्टैचुटरी मैंडेट नहीं है बी के बी एस एक्ट के अंदर कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जो कि रिक्वायर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो कॉन्स ले या अप्रूवल ले स्टेट गवर्नमेंट की इवन वाइल इनहसिंग पावर विद रिस्पेक्ट टू एक्ट कौन से ऐसे एक्ट हैं जिनके तहत बी एस एफ अपनी ये पावर जो है अप्लाई कर सकता है करेक्टली बी एस एफ कैन अप्लाई इट्स पावर टू अरेस्ट सर्च एंड सीज विद रिस्पेक्ट टू सर्टन सेंट्रल एक्ट लाइक द पासपोर्ट एंट्री इन टू इंडिया एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरनर्स एक्ट सेंट्रल एक्साइज एक्ट सेल्स एक्ट फॉरनर्स एक्ट फेमा कस्टम्स एक्ट एंड सोन सोफोर्स तो इस तरह से और भी अगर कोई सेंट्रल एक्ट्स उन्हें उन्होंने लाने विद विदिन द परव्यू ऑफ द बीएसएफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद जो है डिसाइड कर सकती है एंड उन्हें स्टेट से जो है परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्टेट से परमिशन लेने की ज़रूरत सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस में रहती है कब जब बी एक्ट जो है उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि कोई पावर या ड्यूटी जो है बी वो परफॉर्म करे विद रिस्पेक्ट टू सर्टन ऑब्लिगेशंस जो कि स्टेट एक्ट के अंदर लाइक करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू स्टेट एक्ट भी अगर स्टेट के तहत कुछ एक्ट बनाए गए हैं एंड उनके अंडर भी बी एस एफ को पावर देना चाहते हैं टू अरेस्ट राइट और टू सी सर्टन गुड्स तो उनको कॉन्करेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट लेना पड़ेगा ठीक है तो ये एक्सेप्शन है एंड नॉट रियली द रूल तो ये सारे जो हैं एक टिल्ट देखने को मिलता है टूवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट विच ऑफन लीड्स टू क्लैशे बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंटली नव यहाँ पे इसके अलावा अब हमने इतने सारे इशूज बता दिए पॉइंट आउट कर दिए तो क्या इसका यह मतलब है कि स्टेट्स आर कंप्लीटली पावरलेस एंड बी एस एफ का जो मन में आए विद रिस्पेक्ट टू यूनियन गवर्नमेंट अगर यूनियन गवर्नमेंट ने उनको एनेबल कर दिया तो उनके पास ऑल परवेज पावर है तो नहीं सबसे पहले एक बहुत बड़ी लिमिटेशन एग्जिस्ट करती है बीएसएफ पे कि बीएसएफ के पास पुलिस पावर्स टेक्निकली नहीं है बाय जैसे कि हमने बोला पुलिस किसका सब्जेक्ट है स्टेट सब्जेक्ट है तो बेसिकली अगर बीएसएफ ने किसी सब्जेक्ट सस्पेक्ट को एप्रीहेंड कर लिया उनको पकड़ लिया राइट तो उनको लगा कि कोई इंसान जो है विदाउट अ वैलिड वीजा इलीगल तरीके से इंडिया के बॉर्डर में घुस के आया है एंड से ट्वेंटी किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर उनको एक बस में पकड़ लिया गया ठीक है तो अब ये जो सस्पेक्ट है उसको पकड़ के बीएसएफ सिर्फ प्रीलिमिनरी क्वेश्चनिंग जो है सिर्फ वो कंडक्ट करा सकते हैं एंड उनको हैंड ओवर करना पड़ेगा चाहे कोई सीज्ड कंसाइनमेंट हो मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग्स का कंसाइनमेंट उन्होंने 30 किलोमीटर इन साइड द बॉर्डर पकड़ लिया या किसी सस्पेक्ट को जैसे कि मैंने बताया 20 किलोमीटर इन साइड द बॉर्डर पकड़ लिया तो विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स आफ्टर द इनिशियल क्वेश्चनिंग दे विल हैव टू हैंड ओवर द कंसाइनमेंट और द सस्पेक्ट टू द लोकल पुलिस वेरी इंपॉर्टेंटली बी एस एफ के पास कोई पावर नहीं है टू प्रोसिक्यूट सच क्रिमिनल सस्पेक्ट्स ठीक है तो बहुत ही लिमिटेड पावर है बी एस एफ के पास सेकेंडली इनकी जो जुरिस्टिक्शन है वो एक्सटेंड की जा सकती है अगर हम ये भी बात करें कि पंद्रह किलोमीटर से जो है पचास किलोमीटर कर दी गई है इन द स्टेट्स वी विल सी दैट दिस जुरिस्डिक्शन हैज ओनली बीन एक्सटेंडेड विद रिस्पेक्ट टू पी एस एफ पावर फॉर अरेस्ट एंड सर्च विद रिस्पेक्ट टू कौन से दो एक्ट्स एक तो आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड आपका पासपोर्ट एंट्री एक्ट ऑफ 1920 एंड द पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967 तो बाकी कुछ जो सेंट्रल एक्ट्स हैं जिनके अंडर भी जो बीएसएफ है अरेस्ट सीज या सर्च कर सकती है जैसे कि एनडीपीएस आता है या कस्टम्स एक्ट आता है उनके अंडर ये जुरिस्डिक्शन लिमिट जो है एक्सटेंड नहीं की गई है मतलब विद रिस्पेक्ट टू सीआरपीसी पासपोर्ट एंट्री एक्ट ऑफ 1920 एंड पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967 बीएसएफ की जुरिस्डिक्शन अब 15 से 50 किलोमीटर है इन पंजाब असम एंड वेस्ट बंगाल बट वेन इट कम्स टू अदर एक्ट्स एंड उनके तहत बी एस एफ की पावर जैसे कि एन डी पी एस हो गया या फिर कस्टम एक्ट हो गया वो अभी भी पंद्रह किलोमीटर ही है सिमिलरली अगर गुजरात की बात की जाए तो विद रिस्पेक्ट टू दीज थ्री एक्ट्स वो अस्सी से पचास किलोमीटर हो गई है बट विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर एक्ट जैसे कि एन डी पी एस हो गया या कस्टम एक्ट हो गया उसके अंदर वो अभी भी एट्टी किलोमीटर है दिस इज समथिंग टू रिमेंबर फर्दर मोर दिस पावर इज फर्दर लिमिट बाय सर्टन कंडीशन सबसे पहले एंड वेरी इंपॉर्टेंटली तो ये बी की जो पावर है एक्सटेंड की जा सकती है ओनली टू स्टेट्स जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे लाए करते हैं तो ऐसे स्टेट्स विच आर अज्वाइनिंग द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया अब 2011 के अंदर जो है ये सोचा जा रहा था कि बी की पावर जो है हम हर स्टेट में एक्सटेंड कर देंगे बट अभी तक वो जो बिल है वो पास नहीं हो पाया है तो अभी बी की जो पावर है इज लिमिटेड टू दो स्टेट्स जो कि शेयर करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर विथ पाकिस्तान या बांग्लादेश सेकेंडली स्टेट की कॉन्करेंस जैसे कि हमने बात की थी रिक्वायर्ड है अगर बी एस एफ की पावर वो एनहस करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टन स्टेट लॉज या स्टेट एक्ट थर्डली जो नोटिफिकेशन होती है या जो ऑर्डर है जिसके थ्रू एक्सटेंड की जाती है ऑपरेशनल मैंडेट या जुरिस्डिक्शन ऑफ द बी एस एफ दैट इज टू बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट एंड जरूरी है कि उसको पास किया जाए बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना योगदान दिया है इन दिस रिगार्ड इन द वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट Union of India, पे उन्होंने चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हो या वो सेंट्रल पुलिस पावर मतलब state के अंदर करनी है सिविल पावर की जो एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट है ना कि उनको पावर से हटा के कंप्लीटली सब्ज्यूम कर लेना सिविल पावर इन देर हैं एंड उनकी हेल्प के लिए योगदान दे सकती है जो यूनियन ने फोर्सेस भेजी हैं ना कि उनको कंप्लीटली रिप्लेस कर देना ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर तो हमारे टू मिनट सीरीज जो है देखते रहें अगेन हमारे अगले हफ्ते से जो फ्री प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं अगर आप अपने मेन्स की जो परफॉर्मेंस है उसको और ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं प्लीज ज्वाइन आ पेड कोर्सेज राइट जो कि बहुत ही कफायती प्राइसेस पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है जिनकी डिटेल्स अगेन आप स्लीपी क्लासेस डॉट कॉम पर आ सकते हैं या फिर एटीन हंड्रेड एट थ्री जीरो फोर थ्री नंबर पर जो है कॉल करके सारी डिटेल्स जो है आप वो डिस्कस कर सकते हैं थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम